हेलो दोस्तों, मैं अनुराग, आपका अपने परिवार अमित स्टडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का पार्ट 2। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमित स्टडी 11 पर SSC GD की प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, तो SSC GD की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जुड़िए अमित स्टडी 11 के साथ। तो चलिए आज हम अपने सेकेंड पार्ट को, ज्योग्राफी के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और लिखते हैं, कल दो पॉइंट रह गए थे, वो पॉइंट पहले आज हम लिखेंगे कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो 3214 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। तो 2933 किलोमीटर। इसके बाद आज हम आते हैं कि भारत के साथ आज हम बात करते हैं, पहला प्रश्न लिखेंगे कि भारत के कितने राज्य हैं। स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं। समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो भारत के कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूनियन टेरिटरी। भारत के कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं। इसके बाद लिखते हैं भारत का सबसे बड़ा समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, भारत का सबसे लंबी समुद्री सीमा साझा करने वाला। यहाँ भारत की ऐसा लिख सकते हैं, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य तो गुजरात।
दूसरी भारत की सबसे लंबी? लंबी है सीमा साझा करने वाला राज्य? दूसरी भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला, समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य? समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। उसके बाद लिखते हैं भारत के पश्चिमी तट पर समुद्री सीमा साझा करने वाले राज्य। पश्चिमी तट पर इधर लिखते हैं पूर्वी तट पर। तो पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसके बाद पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो पश्चिमी तट पर समुद्री सीमा साझा करने वाले राज्य 5 हैं और पूर्वी तट पर समुद्री सीमा साझा करने वाले राज्य 4 हैं, जिसमें गुजरात पश्चिमी तट पर सबसे लंबी सीमा साझा करता है, समुद्री सीमा साझा करता है। सबसे लंबी समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य गुजरात है पश्चिमी तट पर, और पूर्वी तट पर सबसे लंबी समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। पश्चिमी तट पर सबसे लंबी समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य गुजरात और पश्चिमी तट पर सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य गुजरात है और पूर्वी तट पर सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला, समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो ये सीरीज करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा ₹15,200 और भारत की समुद्री सीमा, समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा जो है वो 6100 किलोमीटर है और भारत की कुल समुद्री सीमा 7516.5 किलोमीटर है। कुल मतलब जैसे द्वीपों सहित, जिसे ब्रैकेट में यहां लिख दीजिएगा द्वीपों सहित। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न लिखते हैं भारत के 5 ऐसे राज्य जो ना तो समुद्री सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं।
भारत के पांच ऐसे राज्य जो ना तो समुद्री सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ये पांच ऐसे राज्य हैं जो ना तो समुद्री सीमा साझा करते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इसके बाद है भारत के दो ऐसे राज्य जो समुद्री सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों साझा करते हैं। तो ऐसे दो राज्य कौन कौन हैं? तो ऐसा पहला राज्य है गुजरात और ऐसा दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। इसके बाद लिखते हैं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य। सीमा साझा करने वाला राज्य तो राजस्थान है। राजस्थान है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य नागालैंड है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य राजस्थान और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य नागालैंड है। इसके बाद बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, इसकी एक ट्रिक होती है बचपन में MBA, बचपन में MBA बी से बांग्लादेश, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान,
अफगानिस्तान। बांग्लादेश की भारत के साथ दृष्टि सीमा 4096.5 किलोमीटर, 4096.5 किलोमीटर लगती है। चीन की 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, नेपाल की 1751 किलोमीटर, म्यांमार की 1643 किलोमीटर, भूटान की 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। ये भारत के साथ सीमा साझा करते हैं और भारत के पड़ोसी देश, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और काफी बार पेपर में पूछा भी गया है। ये तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट भारत के पड़ोसी देश की ये ट्रिक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बचपन में MBA। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।